जय जिनेंद्र भाइयों और बहनों, दीपक किस प्रकार से लगाना चाहिए, चलिए जानते हैं। माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हम यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और बुरे मार्ग से हटा करके सही मार्ग की ओर ले चलो। आप सभी पूजन करते हैं तो दीपक लगाते हैं, संध्या काल में घर में दीपक लगाते हैं, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो दिन को सूरज उजाला देता है, जब शाम होती है तो दीपक घर में उजाला देता है, घर को प्रकाशित करता है। इसलिए दीपक को सूर्य का लघुनंदन कहा गया है। अपने अपने घरों में जब दीप लगाते हैं तो किस प्रकार से लगाना चाहिए, ये भक्तामर का भी पाठ करते हैं, 48 काव्यों के माध्यम से दीपार्चना करते हैं, तो कैसे लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए, क्या हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, हर दीपक का अपना अपना प्रभाव होता है। यदि आपको लग रहा है कि हमारे घर में धन समृद्धि बढ़ती रहे, व्यापार बढ़ता रहे, तो यहाँ कहते हैं सबसे अच्छा होता है सोने का दीपक। पढ़ते हैं, सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले शिवरात्रि। तो धन की वृद्धि के लिए सोने का दीपक रहता है। यदि आप घर में शांति चाहते हैं, क्रोध ना आए तुम्हारे घर में, पूरा परिवार शांति से अपना जीवन यापन कर सके, उसके लिए सबसे अच्छा है चांदी का दीपक। उसमें आप आरती करें। इसके बाद यदि आपके घर में कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो, बार बार आपको जवाब दे रहा हो, तो किसी को वश में करना हो तो तांबे का दीपक का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई चीज़ तुम्हारे घर में नेगेटिव आ गई, जैसे दुकान चलाते चलते चलते कई बार दुकान में ऐसा लगता है जैसे कोई बांध दिए किसी ने, पहले चलती थी, ग्राहक आते थे, खड़े होते थे, अब तो ग्राहक आता है, सामान दिखवाता है, लेके कुछ नहीं जाता है, अब क्या करें, बड़े परेशान। तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर लगे ऐसी स्थिति आपके दुकान में हो चुकी है, आप पीतल का दीपक लगाइए। इसके बाद यहाँ अपने जीवन में सात्विक चाहिए, हमारा घर में सात्विक माहौल रहे, बच्चों को बाहर का कोई पसंद ना आए, हे भगवान सब घर में ही बना रहे, घर में सब बच्चों को अच्छा लगे, उसके लिए हम लोग मिट्टी के दीपक का उपयोग करते हैं। इसलिए दीपावली जब आती है सबसे ज़्यादा हम लोग मिट्टी के दीपक का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाना है, ऐसी भावना के साथ हम लोग मिट्टी के दीपक का उपयोग करते हैं। इसके बाद स्तंभन के लिए, पानी बरस रहा हो रोकने के लिए स्टील का दीपक है, इसलिए व्यापार में कभी स्टील का दीपक नहीं लगाना, स्तंभन हो जाएगा, व्यापारी रुक जाएगा। इसके बाद यहाँ कहते हैं कि आप कौन सा घी डालें इसमें, कौन सा तेल डालें, हमारे लिए क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, ये भी नॉलेज होना जरूरी है। आप दीपक तो लगा रहे हैं, किसके उद्देश्य के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ कहते हैं सबसे अच्छा होता है गाय का घी। गाय का घी लगाने से घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और सर्वकार सिद्धि देने वाला होता है, सर्वकार सिद्धि बढ़ती है। और इसके बाद यदि हम भैंस का दीपक लगाते हैं, घी का उपयोग करते हैं मारण के लिए, किसी को मारना हो, हे भगवान ये चले जाए, इसका बुरा हो जाए, क्योंकि गाय काली होती, भैंस काली होती है, और यह है हमारे यम का वाहन होता है, तामसिक होता है इसका दूध। यदि हम लोग भैंस का दूध पीते हैं, दूध पीने के आधा घंटे के बाद तो, क्योंकि तामसिक का प्रतीक है वो, इसलिए घी का दीपक के लिए मारण के लिए उपयोग किया जाता है। यदि विद्वेषण
कोई आपसे विद्वेष ले रहा है मोल, तो यहाँ कहते ऊँटनी का दूध, कैमल कैमल जो रहता है उनके ऊँटनी का दूध रहता है उसके लिए उपयोग किया जाता है घी। इसके बाद होता है उच्चाटन, घर में नेगेटिविटी आ गई है उसके लिए बकरी का दूध, बकरी का घी। इसके बाद सर्वकार सिद्धि के लिए, हमें कार्य सिद्धि होती रहे तो उसके लिए तिल का तेल, तिल का तेल का आप दीप लगा सकते हैं, क्योंकि वो तिल का तेल नहीं है, वो तो आपके दिल का तेल है। तो तिल्ली का तेल सर्वोपयोगी माना जाता है, बाल आपके काले बने रहे तो आप लोग तिल्ली का तेल लगाते हो, सॉफ्टनेस रहे बॉडी में आप तिल्ली का तेल लगाते हो। इसके बाद यहाँ है कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप कपूर का दीप बना के आरती घुमाइए। इसके बाद एक चीज़ और मजे की है, अब बाती कैसी लगाएं, खड़ी लगाएं कि आड़ी लगाएं, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है लोगों का। आज यदि हमें देवताओं को खुश करना हो, लक्ष्मी जी को खुश करना हो, सरस्वती माता को खुश करना हो, तो बाती आड़ी होना चाहिए। यदि हमें अध्यात्म को बढ़ाना हो, ओरा चक्र को जागृत करना हो, एक्टिविटी बढ़ाना हो, तो बाती खड़ी होना चाहिए। और सबसे अच्छी जो बाती होती है वो कच्चे सूत की बाती सबसे अच्छी मानी जाती है, ज्यादा समय तक चलती है। जो रुई आती है वैसे रुई की बाती नहीं लगाना चाहिए। बाती तो सबसे अच्छी पहले के समय में धागे की मानते थे, जो कच्चा धागा होता था सूत की, हम लोग उसको ऐसे करके तैयार करते थे, वह बाती ज़्यादा समय तक चलती थी, उसका प्रभाव ज़्यादा रहता था। तो यह दीपक का जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव होता है। हम पढ़ते भी हैं।